नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर किसानों को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर दिसंबर से अप्रैल माह तक स्थिति को लेकर जो सर्वे कराया गया है उसमें कई जिले छूट गए हैं, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि फिर से इन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर सर्वे कराया जाए ताकि वहां के किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर करीब 410 करोड़ की अनुमानित राशि भुगतान होना है, लेकिन जिस पर केवल अब तक करीब 113 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, अब भी करीब 297 करोड़ की राशि नहीं मिलने से किसानों के सामने कई संकट हैं। प्रदेश सरकार को जल्द ही शेष राशि भुगतान करना चाहिए ताकि किसानों को खेती कार्य से जुड़े उपकरण व बीज खरीदने में सहयोग हो सके। साथ ही इस दिशा में प्रदेश सरकार को तत्काल ही ठोस कदम उठाने चाहिए। इस समय सब किसान खेती में लगे हुए हैं और किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिछले समय 2019 दिसंबर से जो ओलावृष्टि हुई और जिसके कारण किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की गई और लगभग 410 करोड़ रुपए के आकलन आए हैं कि उनकी क्षति हुई है। इस रूप में किसानों को 410 करोड़ से ऊपर की राशि मिलनी है, किंतु अभी तक किसानों को अप्राप्त है। लगभग 113 करोड़ रुपए का आवंटन जारी हुआ है जो अभी किसानों तक पहुंची नहीं है। ऐसे समय में किसानों को मदद किया जाना सकता हो सकता है, किंतु सरकार के द्वारा लगातार इसमें लेट लतीफी बरती जा रही है और जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो राशि लगभग 517 करोड़ के 500 से ऊपर करोड़ की राशि जो मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लगभग 62 करोड़ राशि का केवल भुगतान हुआ है, बाकी राशि का नहीं हुआ है। वास्तविक में ये संकट का समय है किसानों के लिए, कोविड का समय है और खेती का समय है। इसके बाद में सारे तेज त्योहार भी आएंगे, ऐसे समय में यदि राशि मिलेगा